हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेता डिजिटल क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था, तो आज मैं आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगी कि वोवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। तो आप जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो स्टूडेंट्स, जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स हैं। अल्फ़ाबेट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में है। तो दो ग्रुप में कौन कौन से? एक तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो आइए देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम एन ओ पी क्यू आर S T U V W X Y और Z। Vowels V O W E L S Vowels और consonants C N S O N E N T S consonants। तो देखिए, ये अल्फाबेट है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 26। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अल्फाबेट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसमें? वोवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। तो देखो, अब देखें अपन अल्फाबेट में यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें वोवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। तो देखिए, ए क्या है? वोवल्स। ए क्या है? वोवल्स। उसके बाद में बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई। ई क्या है? वोवल्स। ई क्या है? वोवल्स। फिर उसके बाद में एफ नहीं, कॉन्सोनेंट है ये। जी नहीं, एच नहीं। फिर आई, आई क्या है? वोवल्स। फिर जे नहीं, के नहीं, एल नहीं, एम नहीं, एन नहीं, ओ नहीं, ओ वो क्या है? वोवल्स है। पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस नहीं, टी नहीं, यू, यू क्या है? वोवल्स। वी भी नहीं, डब्ल्यू भी नहीं, एक्स भी नहीं, और वाई भी नहीं, जेड भी नहीं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वोवल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई O, U, ये सब क्या है? 5 क्या है? ये वोवल्स। तो देखिए, मैंने जो वोवल्स थे उनके ऊपर अपन ने आइडेंटिफाई किया, तो ये क्या है? 5 क्या है? वोवल्स है। A, E, I, O, U। कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। वोवल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U।
तो आए अपन ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ इसको वोवल्स के सामने इनको लिखते हैं अपन, तो ए ई आई ओ और यू। अब सबको पता है वोवल्स कितने हैं, फाइव। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। अब देखिए हमें पता चल गया कि हमने इसमें अल्फाबेट में वोवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम किसको करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को। तो देखिए इसमें जो अपन ने वोवल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में जो लेटर बच रहे हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो इनको अपने हम क्या करेंगे, यहाँ कॉन्सोनेंट्स के सामने राइट करेंगे। तो देखिए B, C, D, फिर है F, G, H, H, फिर है J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स। देखिए वोवल्स कौन से हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, A, E, I, O, U, कॉन्सोनेंट्स। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब इनको काउंट करके देखते हैं वर्ड्स कितने होते हैं, फाइव। तो देखें वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितने हैं वो वर्ड्स, फाइव। अब देखें कॉन्सोनेंट कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन। तो वोवल्स तो कितने हुए, फाइव, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ट्वेंटी वन। तो स्टूडेंट्स आप सभी को वोवल्स और कॉन्सोनेंट समझ में आ गए होंगे। तो आपको होमवर्क है, आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ये जो सब है ये क्या करना है, आपको उतारना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।